टुडे वी विल डिस्कस नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो नेटवर्क जिस टाइप से बने होते हैं, यानी कि जो आप नेटवर्क बनाते हो तो उसका जो अरेंजमेंट होता है जिस टाइप से, तो वो किस टाइप से, मतलब कंप्यूटर एक सीधी लाइन में होंगे या गार्बेज टाइप से किसी टाइप से होंगे। तो पैटर्न टू डिजाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होगा बेबी? बेबी यस सर। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर डिफिनेशन देनी है तो क्या होगा? अ पैटर्न टू इंटरकनेक्ट द नेटवर्क, इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज द नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि एक नेटवर्क में आप कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को किस टाइप से कनेक्ट करोगे, दिस पैटर्न इज नोन एज द नेटवर्क टोपोलॉजी। 10 पॉइंट पढ़ें आप इसमें जो नेटवर्क टोपोलॉजी लिखा है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स, जिसे हम लोग कंप्यूटर भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं, इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरे पॉइंट में भी उसी को एक दूसरे टाइप से लिखा गया है, टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर। पैटर्न को हम लोग स्ट्रक्चर से भी बोल सकते हैं, ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑन द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो फर्स्ट ये आप बताइए कि टोपोलॉजी समझ में आया क्या है? टोपोलॉजी क्या है? यस सर। क्रिस्टी बेटा क्लियर है ना यहाँ तक? अगर टोपोलॉजी डिफाइन किया है तो नेटवर्क अरेंज करने का जो एक वे है उसी को हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। अब ये किस किस टाइप के होते हैं, तो मेनली हमने 6 टोपोलॉजी यहाँ पर डिस्कस की है। टॉपिक आज का आसान है, बस चीजें क्लियर होती चलेंगी, बस समझते चलेंगे। फर्स्ट वन होता है बस, उसके आगे भी एक वर्ड लिखा है, आर लीनियर टोपोलॉजी। यानी कि इस टाइप में क्या होगा, एक लाइन में ही पूरा नेटवर्क आपका बना। जैसे आप कैफे में देखते हैं या मान लो कोई नॉर्मल भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, तो वहां पर क्या है कि एक लाइन में जैसे कंप्यूटर रखे हुए, तो देखिए कंप्यूटर रखे हुए अलग चीज है और उस टाइप से नेटवर्क बनना एक अलग चीज। नेटवर्क बनना एक अलग चीज है, कंप्यूटर हो सकता है कहीं दूर भी रखे हो बट उनके बीच में कम्युनिकेशन अलग टाइप से हो, तो वो एक अलग नेटवर्क। अभी चीजें क्लियर होती चाहिए। तो फर्स्ट वन होता है बस टोपोलॉजी, सेकेंड आपके पास स्टार टोपोलॉजी, ऐसे ही आपके पास रिंग टोपोलॉजी होता है, फिर मैश टोपोलॉजी होगा, थर्ड एंड फिफ्थ वन ट्री टोपोलॉजी, और सिक्स आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी होगा। हाइब्रिड का मतलब शायद आप समझते हो, हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड का मतलब कोई बताएगा जरा? सैनुमा बेटा, सनुमा बेटा आप अभी आए हुए हैं, तो पहले तो आप जिस क्लियर हो रहे हो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। जब आप कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जो आप पैटर्न फॉलो करते हो वो पैटर्न ही कंप्यूटर का जो नेटवर्क बनेगा उसका नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब 6 टाइप से कैटेगराइज हुआ, बस, स्टार, मेश, ट्री, हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा ध्यान रखिए, हाइब्रिड जब भी वर्ड होगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू टोपोलॉजी को जब आप यूज कर दोगे तो वो हाइब्रिड होगा। कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में हाइब्रिड नहीं, जैसे अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप हाइब्रिड के टाइप से आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी आप खाते हो तो वो भी अगर हाइब्रिड है तो उसमें भी क्या होते हैं कि दो टाइप के बीज से हाइब्रिड किया जाता है। तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है टू आर मोर देन टू टाइप की चीजों को जब आप मिक्स कर लोगे तो वो हाइब्रिड। अब एक एक चीज क्लियर करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी। अपने फिगर इसका देख लें, तो ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, सभी को डिस्प्ले हो रहा होगा आराम से। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक आपके पास ये पूरा लीनियर एक सिंगल लाइन में एक केबल बिछी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन केबल, और यही आपकी मेन केबल है। इस केबल में दो टर्मिनेटर होते हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट को। देखिए इस केबल में आपको एक ये टर्मिनेटर दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ये टर्मिनेटर दिखाई दे रहा है। इनके काम क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। मेन जो केबल है वो ये केबल है, ये जो आप केबल देख रहे हैं बैकबोन केबल, ये मेन केबल। इस केबल के थ्रू कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, ये 3 जैसे, ये 4 हुआ आपके पास, तो इस टाइप से कंप्यूटर 5 एंड ये कंप्यूटर 6, इस टाइप से ये आपके पास कनेक्ट है। और ये किस वे में कनेक्ट होते हैं? एक लीनियर वे में। अब आपको जब फिगर माइंड में बैठ गया है तब आप पॉइंट पर आते हैं हम लोग।
एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉइंट आप देखें, फर्स्ट पॉइंट अगर, तो आपको पहला पॉइंट मिल रहा होगा, द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज अ बैकबोन केबल। सारे कंप्यूटर एक केबल के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। अब डेटा अगर ट्रांसफर करना है किसी भी सिस्टम को, तो वो डेटा ट्रांसफर करेगा उस केबल से होगा, और डेटा दोनों ही डायरेक्शन में होगा। बहुत एक एक चीज क्लियर होती है, डेटा दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेवल होगा, यानी कि लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी होगा, अप भी होगा डाउन भी होगा, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, बोथ साइड डेटा ट्रेवल करेगा। और डेटा बस टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रेवल की चीज है, तो उसको हम लोग मेनली बोल देते हैं ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है कुछ भी, वो सभी को इक्वली मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होगा, आपने एक बैन से बैकबोन केबल से मान लीजिए 10 सिस्टम कनेक्ट कर रखे हुए, उस सिस्टम ए ने डेटा अगर ट्रांसमिट किया है, तो 11 सिस्टम जो है उन सभी को डेटा जाएगा। उसमें हो सकता है कुछ सिस्टम उस डेटा की नीडेड हो और कुछ सिस्टम डेटा की नीडेड ना भी हो, बट डेटा जाएगा सभी को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बस टोपोलॉजी में, तो ये एक चीज है कि डेटा अगर किसी को नीडेड है भी या नहीं भी है, डेटा वहां तक जाएगा और दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड। सेकेंड पॉइंट में क्या था, बैकबोन केबल इज कंसिडर एज अ सिंगल नेम। पूरी बैकबोन जो केबल होती है सिंगल ही नेम होती है। तो होता क्या, जो बस टोपोलॉजी से आप जो नेटवर्क है, तो वो आपको नेटवर्क लेंथ में बड़ा बनाना पड़ता है। मतलब आपके पास इस टाइप के नेटवर्क को आप कम एरिया में नहीं बना पाओगे, एरिया रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन ट्रेवर द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। व्हेन अ नोड wants to send our message over the network, it put a message over the network. On the station available in the network, we receive the message whether it has been addressed or not. इसका मतलब ये कि उसे जिसको address जाना है, जिस system को, मान लो system A data भेज रहा है system 5 को, तो जाना 5 तक है, लेकिन वो जाएगा data सभी को। बेबी बेटा यहाँ तक चीज क्लियर? First point कि आप एक सिंगल केबल यूज करोगे जिसे हम लोग बैकबोन केबल बोलते हैं। सेकेंड थिंग, डेटा आपके पास दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। एंड थर्ड थिंग ये कि एड्रेसेबल डिवाइस को भी डेटा जाएगा और नॉन एड्रेसेबल डिवाइस को भी डेटा जाएगा, यानी कि डेटा जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक भी जाएगा, और जिनको नीडेड नहीं था वहां तक भी जाएगा। हाँ, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते। अंशिता बेटा, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब बस टोपोलॉजी में आपको बोथ साइड टर्मिनेटर का यूज करना पड़ेगा। टर्मिनेटर क्या करता है कि डेटा ट्रेवल करते करते जब लास्ट तक पहुंचेगा, तो टर्मिनेटर उस डेटा को आपके नेटवर्क से रिमूव कर देगा। मतलब जो डेटा आपने भेजा, क्योंकि डेटा तो आपका ट्रेवल कर रहा है, तो टर्मिनेटर मान लीजिए ये नोड 4 ने डेटा ट्रांसमिट किया, तो ये इधर टर्मिनेटर ए तक जब गया, तो टर्मिनेटर ए क्या कर देगा, उस डेटा को रिमूव कर देगा। और टर्मिनेटर आपके कनेक्टेड एट द एंड पॉइंट ऑफ द बैकबोन, बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड ऑफ बैकबोन केबल। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटर का वर्किंग क्या है, कि टर्मिनेटर रिमूव द डेटा, वो बैकबोन केबल में जब ट्रेवल पूरा कर जाएगा, तो वैसे भी हमें उसकी कोई नीड नहीं है, तो वो रिमूव कर देगा। ठीक, बाकी जितनी भी आप टोपोलॉजी पढ़ोगे, उसमें सबसे इजी टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी होती है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे यहाँ पर जो डिस्कस हुआ है, तो वो एडवांटेज डिस्कस हुए। फर्स्ट एडवांटेज आपको दिख रहा होगा, लो कास्ट केबल। तो इसमें देखिए, मेनली जो केबल यूज होती है, पहली चीज, तो वो केबल जो यूज होती है वो मेनली या तो कोएक्सियल केबल होती है या ट्विस्टेड होती है। यानी कि आप ट्विस्टेड केबल को भी यूज कर सकते हैं और कोएक्सियल को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर केबल की कास्टिंग भी कम होती है इस टाइप की केबल की। दूसरी चीज, बस टोपोलॉजी में जो केबल होती है, आप अगर फिगर को देखें यहाँ पर, आप देखें बैकबोन से डायरेक्ट सिस्टम कनेक्ट है कि नहीं, ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बैकबोन से जो आपके सिस्टम कनेक्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको
केबल के थ्रू कनेक्टेड। इसके अलावा आपको कोई स्विच या हब या राउटर या इस टाइप की डिवाइसेस की कोई भी नीड नहीं पड़ रही। तो बस टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मेनली केबल्स। दीज केबल्स आर मेनली यूज्ड एज ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल पेयर कोएक्सियल केबल। तो केबल की कास्टिंग भी कम है, हब स्विचेस वगैरह भी आप यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या होती है कि यहाँ पर जो बस टोपोलॉजी के थ्रू आप नेटवर्क जनरेट करोगे तो इसकी कास्टिंग कम आएगी। तो इनिशियल लेवल पर अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या आप घर घर पर कोई नेटवर्क बना रहे हो तो आप बस टोपोलॉजी यूज कर सकते हो, बेटर है आपके लिए, क्योंकि आपको स्विचेस की भी जरूरत नहीं होगी, हब की भी जरूरत नहीं है, राउटर वगैरह भी जरूरत नहीं, आप एक दूसरे को डेटा शेयर भी कर रहे हो, केवल केबल्स का कनेक्टर केबल्स का कनेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट आपके पास है मॉडरेट डेटा स्पीड, यानी कि डेटा स्पीड जो है वो आपको ठीक मिलेगी, मतलब बहुत बेटर भी नहीं मिलेगी तो बहुत लो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होगी जिसकी स्पीड भी निकी है 10 मेगाबाइट पर सेकेंड तक आपको स्पीड मिलेगी। दूसरी चीज केबल से कनेक्शन होता है मेनली, यहाँ पर क्या आपके पास केबल से कनेक्शन है तो केबल में आपको स्पीड वैसे भी ठीक मिलती है। थर्ड पॉइंट आपके पास है फैमिलियर टेक्नोलॉजी। फैमिलियर टेक्नोलॉजी का मतलब यह कि यह टेक्नोलॉजी नॉर्मली अगर देखा जाए तो काफी यूजफुल है, मतलब आप नॉर्मल अगर देखें तो यूज भी किया जाता है। पॉइंट आप पढ़ सकते हैं बस टोपोलॉजी या फैमिलियर टेक्नोलॉजी इज द इंस्टॉलेशन एंड द ट्रबल शूटिंग। कोई जरा इस वर्ड का मतलब बताएगा, ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या? रामांस प्लीज एक्सप्लेन ट्रबल शूटिंग। रामांस बेटा सर हाँ, अरे जो पता हो बताए, आपने लैपटॉप में देखा हो शायद कभी। हाँ सर वो ट्रबल शूट होता है। हाँ होता है सर। पाठक जी सर कुछ बताएंगे ट्रबल शूट? ट्रबल शूटिंग से मतलब सर जब भी मिल जाए, जैसे कि हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और फिर मिल पाता है, क्योंकि जब सर्वर में काफी लोड होता है तो वो ट्रबल शूट दिखाता है। अच्छा और कोई बेबी बेटा या ये सेनुमा? नहीं पता। एक्चुअली ट्रेवल शूटिंग का क्या मतलब है अगर आप ध्यान से समझे, ट्रेवल शूटिंग में क्या होता है कि जैसे आपके पास आप कोई जैसे नेटवर्क भी कनेक्ट करते हैं, कभी कभी हम लिंक के थ्रू भी सिस्टम कनेक्ट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो वर्किंग स्मूथली नहीं करता होता, यानी कि वो आपके जो एप्लीकेशन चल रही वो एप्लीकेशन आपकी क्या हो गई, डंप हो गई या वर्क नहीं कर रही। तो ट्रेवल शूट करने से क्या होता है वो नेटवर्क ऑटोमेटिक रिकवर कर लेता है। तो जैसे आपके कंप्यूटर में भी आप ईथरनेट कनेक्शन करते हैं, लिंक के थ्रू भी सिस्टम से इंटरनेट चलाते हैं या और भी किसी टाइप से एप्लीकेशन चलाते हैं, या आपके कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर में मान लीजिए आपका माइक काम नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए जो आप वॉइस बोल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ट्रबल शूट करने से क्या होता है वो नेटवर्क उसकी रिकवरी भी कर देता है। तो ये कुछ प्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में, वो आपके ट्रबल शूटिंग से वो रिकवर कर रहे हैं। तो ट्रबल शूटिंग अगर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करें, व्हेन एनी हार्डवेयर डिवाइस या स्टॉप वर्किंग, यानी कि नेटवर्क इन आर नेटवर्क, व्हेन इन आर नेटवर्क एनी हार्डवेयर डिवाइस स्टॉप वर्किंग देन वी रिक्वायर ट्रबल शूटिंग टू रिकवर दैट फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट आपके पास आ गई अगर नेटवर्क में तो उसे रिकवर करने के लिए जब आप कोई ऑपरेशन चलाते हो दिस ऑपरेशन इज नोन एज द ट्रबल शूटिंग। बेबी बेटा आप क्लियर हुई बात? आपके नेटवर्क में एनी हार्डवेयर डिवाइस फेसेस एनी डिफिकल्टी, कुछ भी आपके पास फॉल्ट आ गई उसमें, तो उसे रिकवर करने के लिए हमें ऑपरेशन चलाना पड़ता है, दिस ऑपरेशन नोन एज द ट्रबल शूटिंग। यानी कि उसे आपको रिपेयर कराने के लिए दुकान नहीं जाना है, हार्डवेयर की दुकान नहीं जाओगे, आप ट्रबल शूटिंग जब करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो नेटवर्क है वो उसी को रिकवर कर ले, तो वहां तक ट्रबल शूटिंग है। लेकिन जब आपको दुकानदार के पास जाना पड़ जाए तो वहां पर आपके पास वो रिपेयरिंग आ जाती है। क्लियर ना ये बात? The troubleshooting recovery of the fault in a environment, वो network, in a network. आप चाहें तो point कहीं note कर लीजिए register में। Troubleshooting
is a process to recover a fault, FAUNT, in a device connected in a network. नोट कर लिया सभी ने? रजिस्टर लेकर ही नहीं बैठे होगे आप लोग? क्यों बैठ गए? सर कर रहे थे, सर नोट ही कर रहे थे, सर आपके कहने से पहले कर लिया। ठीक है ठीक। ट्रैवर्सूटिंग इज एन ऑपरेशन टू रिकवर अ फॉल्ट इन अ हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में जब आपके पास कोई डिवाइस कनेक्टेड होती है तो वहां पर हम लोग रिकवरी जब कर ले उसकी, तो वो अपने पास के पास। तो टोपोलॉजी ये भी बहुत मायने रखता है। क्या चीज? सॉफ्टवेयर होता है ये ट्रबल शूटिंग टेक्निक। हाँ, मतलब ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये ड्राइवर्स, ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है नेटवर्क के लिए। तो आपके पास क्या होता है, जब आप कोई सिस्टम खरीदते हो तो ऐसा नहीं होता हर सॉफ्टवेयर आपको खुद ही चलाना पड़ता है। जो कंपनी आपको लैपटॉप देती है, डेस्कटॉप देती है, तो वो भी कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करके देती है, उसमें एक ट्रबल शूटिंग भी है। ठीक है, जितनी भी चीज बेटा होगी ना कंप्यूटर, जितनी भी चीज होनी तो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है। हार्डवेयर भी कम्युनिकेट करेगा तो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग उसके पीछे जरूर होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही बंद, एक ऑपरेशन है, ये कोई डिवाइस नहीं है। ट्रैवल शूटिंग इज नॉट अ डिवाइस, दिस इज एन ऑपरेशन। वो ऑपरेशन है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम होते हैं तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो ट्रैवल शूटिंग टेक्निक जो है वो इसके लिए ठीक है। वेल नोन मतलब पता है, यानी कि नॉर्मल यूजर को भी पता है, जिससे आप रिकवरी इसकी कर सकते, या आप वो सिस्टम बना रहे हो तो सिस्टम में भी ट्रबल शूटिंग आप टेक्निक इसकी नोन है, तो आराम से रिकवरी हो जाती है। और ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब बस टोपोलॉजी पुराने से चल रही, मतलब कोई ये नहीं कि लेटेस्ट ऐसा। हार्डवेयर जो है वो भी इजीली आपको अवेलेबल होते हैं। अच्छा, हार्डवेयर इसमें रिक्वायर्ड ही क्या है? अगर आप देखें तो केवल केबल ही तो रिक्वायर्ड है आपको भाई। केबल के अलावा आपने स्विच तो कनेक्ट किए नहीं, आपने हब कनेक्ट किए नहीं, तो इससे इजीली आपको क्या मिल सकता है? कोई भी नेटवर्क आप बनाओगे तो केबल तो रिक्वायर्ड होगी होगी आपको इनिशियल लेवल पर। लिमिटेड फेलियर का मतलब ये कि इसमें जो फेलियर होता है वो कम होता है कंपेयर टू अदर। तो पॉइंट क्लियर हुए, पहला पॉइंट क्या है, लो कॉस्ट केबल। सेकेंड पॉइंट, स्पीड मॉडरेट मतलब मिडिल लेवल पर मिलेगी। थर्ड पॉइंट, आपके पास टेक्नोलॉजी फेमिलियर है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको आप नॉर्मली या जनरली इम्प्लीमेंट ना कर सके, आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, आपके पास लिमिटेड फेलियर। डिसएडवांटेज भी है बेटा। डिसएडवांटेज क्या है इसके? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। देखिए, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस नॉन इजनी है बट है डिफिकल्ट। अच्छा, डिफिकल्ट कैसे है समझना एक चीज ध्यान दें। एक्चुअली में आपने इसमें क्या किया, कोई सेंट्रल डिवाइस कनेक्ट नहीं है। सेंट्रल डिवाइस का मतलब ये होता है, अगर देखिए ऑपरेशन एक जगह से हो तो आपको पता चल जाएगा कौन गलत है, लेकिन आपकी बैकबोन पर जो सिस्टम जैसे एक साथ आपने कनेक्ट कर दिए तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कौन सा सिस्टम अगर फॉल्ट आई है तो किस सिस्टम में इजीली आई है। दूसरी चीज, अगर आपकी बैकबोन ही डंप कर गई या बैकबोन में ही फॉल्ट आ गई किसी भी टाइप से, तब तो आपके पास क्या होगा, बहुत बड़ी दिक्कत है, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग में अगर देखें, इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द फॉल्ट इन मेन केबल। इफ एनी फॉल्ट अकर इन मेन केबल देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑन द नोड। अगर मेन केबल में कोई भी आपके पास फॉल्ट आ गई तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका कम्युनिकेशन वैसा का वैसे ही डंप हो जाएगा, यानी कि फिर आप किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, दूसरी यहां पर दिक्कत क्या है, क्योंकि आपको पता है जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो एक कॉमन केबल पर ही ट्रेवल कर रहा है, जिसको हम लोग बैकबोन केबल बोलते हैं। और अगर मान लीजिए एक ही टाइम पर दो नोड ने डेटा भेज दिया या दो नोड से डेटा ट्रांसमिट हुआ, तो जब वो बैकबोन पर आएगा तो बताइए वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड हो जाएंगे कि नहीं, डेटा आपस में एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं, मतलब एक दूसरे से मिक्स होंगे, कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी में। पॉइंट पढ़िए, इफ टू नोड्स सेंड द मैसेजेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट सेम टाइम, अगर किसी को ना पता हो तो लिख लिया करो एट सेम टाइम, देन द सिग्नल्स आर बोथ
द नोट्स कोनाइट विथ ईच अदर, सिग्नल क्या होंगे एक दूसरे से कोनाइट हो जाएंगे, तो इस केस में हो सकता है कि डेटा एक दूसरे जहां जहां जिसको जाना था वहां तक पहुंच भी ना पाए। थर्ड थिंग रे कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट। अच्छा रे कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, देखो एक एक वर्ड समझते चलना क्योंकि बाकी जो टोपोलॉजी पढ़ोगे उनमें भी यही वर्ड मिलेंगे। ट्रबल शूटिंग का मतलब है अगर कोई फॉल्ट अकर हो रही तो उसकी रिकवर की करना। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि एक कोई और डिवाइस ऐड करना या डिवाइस को रिमूव करना, इस टाइप की चीजें। तो रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी डिवाइस इंक्रीज करोगे तो आपके नेटवर्क की स्पीड स्लो होती जाएगी, आपको क्या होगा केबल भी हो सकता बढ़ानी पड़े। तो इस केस में आप जैसा नेटवर्क बनाना है वो एक बार ही बना लो, अदरवाइज आप अगर कोई दूसरा नोड लाओगे इंक्रीज करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी नेटवर्क की, और नेटवर्क की स्पीड बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, डेटा आपके पास स्पीड में ट्रांसफर हो। और रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी लगभग मोस्टली एक दो को छोड़कर लगभग जो आप 6 कैटेगरी पढ़ोगे उनमें अधिकतर में आएगी, क्योंकि आप अगर कोई भी नोड इंक्रीज करोगे तो रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी यानी कि स्पीड आपको डाउन मिलेगी। एंड फोर्थ थिंग, यहाँ पर आपको टर्मिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर टर्मिनेटर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास इस टाइप का आप नेटवर्क बनाना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। अब आप बस टोपोलॉजी में कोई भी किसी को डाउट हो, फर्स्ट थिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसकी वर्किंग से भी पूछ सकता है कोई। हाँ बताएं अंशिता बेटा, कुछ पूछना हो बताएं अंशिता। सर वो एडवांटेज का थर्ड पॉइंट समझा दीजिए। एडवांटेज हम डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा फैमिलियर टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो टोपोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेक्नोलॉजी ये हो सकते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी है टोपोलॉजी बनाना यानी कि उस टाइप का आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना। सेकेंड थिंग अगर उस टाइप के स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट आती है कोई डिफिकल्टी आती है इन फ्यूचर तो उसकी रिकवरी आप कैसे करोगे, तो ये जो और उस टाइप के टेक्नोलॉजी बना टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो आपको इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर इजीली अवेलेबल है टेक्नोलॉजी आप नोन है कि ट्रबल शूटिंग है कैसे करना है, इंस्टॉलेशन इजीली है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैमिलियर टेक्नोलॉजी। और अगर इस टाइप की चीजें नहीं है, मतलब कंपोनेंट आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, ट्रबल शूटिंग की आपको एल्गो इजीली अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस टफ है या और भी वेरियस कुछ है, तो वो फिर फैमिलियर टेक्नोलॉजी नहीं। कैसे क्लियर क्रिस्टी बेटा? yes, यानी ठीक। अंशिता बेटा पूछे कोई डाउट हो? बेबी सर ये जो टोपोलॉजी है सर इसमें सारे वायर्ड कनेक्शन है सर हर कैटेगरी में। बेटा वायर्ड भी होते हैं वायरलेस भी होते हैं, ठीक है तो सर बस टोपोलॉजी में सर सारे वायर्ड? हाँ ये वायर पर बेस्ड होगी, बस टोपोलॉजी वायर्ड बेस्ड होगी। और सर जैसे सर आप अभी बता रहे थे कि सर हम लोग को फिफ्थ नोड तक अपना सर डेटा भेजना है बट वो सेवेंथ तक भी जाएगा, हाँ, तो सर हम लोग सर ये टर्मिनेटर जो होता है सर हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते सर? बेटा लगा दोगे, अगर लगा दोगे तो सिस्टम ही को ना हटा दो फिर, आप नहीं समझे भाई, आप टर्मिनेटर लगा दिया वहां तो आपका वो सिस्टम तो नेटवर्क से बाहर हो गया नोड से, तो आप उस नोड को ही हटा दो उससे अच्छा, तो समझ रहे हैं बात? तो वो टर्मिनेटर मतलब आप एंड मान करो, बाकी आप लगा सकते हो कहीं भी, लगा दोगे तो डेटा उसके आगे नहीं जाएगा, लेकिन टर्मिनेटर एक ही बार फिक्स करोगे ना, बार बार आप खिसकाते तो ना लोगे कि नहीं यार चार को भेजना है तो आज चार को भेज देते हैं, कल सात को भेज देते हैं। हाँ और किसी का डाउट हो? सैनुमा बेटा, सैनुमा रामांश पाठक कुछ पूछना हो? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टार्ट टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी का पहले आप फिगर देखो, फिगर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बस टोपोलॉजी आप समझ गए होंगे फिगर से। स्टार में ऐसा होता है, आप देखिए स्टार में क्या होता है, आपको एक सेंटर डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है, वो स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, कंसंट्रेटर हो सकता है, राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक स्विच सेंटर डिवाइस रहेगी आपके पास और उससे एक एक केबल से एक एक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होगा, आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि इन स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ सेंटर डिवाइस आर कंसंट्रेटर, उसे हम कंसंट्रेटर भी बोल सकते हैं, हब बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही सभी को?
अब पॉइंट पर आ जाओ. स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट, इज एन स्ट्रक्चर, इज एन पैटर्न. कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, अरेंजमेंट, पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब आर स्विच आर सेंटर कंप्यूटर. सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा, द सेंटर कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर. वो जो सेंटर कंप्यूटर होता है उसको हम लोग मेनली किस नाम से करेंगे, सर्वर. तो सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर भी जो है वो भी स्टार टोपोलॉजी ही है. तो आपको एक चीज ये भी क्लियर हो रही होगी कि स्टार टोपोलॉजी आपके पास वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सर्वर आर नोन एज द क्लाइंट. ये पॉइंट आपको पहले से बहुत क्लियर होगा. थर्ड पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी, यानी कि सबसे ज्यादा टोपोलॉजी यूज होती है मेनली अगर देखा जाए तो वो स्टार टोपोलॉजी होती है. इतनी बात समझ रहे हैं ना सभी लोग. स्टार टोपोलॉजी, देखिए फैमिलियर टोपोलॉजी ये भी है, स्टार टोपोलॉजी इज आल्सो अ फैमिलियर टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी भी फैमिलियर थी. फैमिलियर का मतलब होता है कि हार्डवेयर रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड हार्डवेयर इजिली अवेलेबल हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजिली हो, एंड ट्रेवल शूटिंग जो भी एनको है वो आपको इजिली इम्प्लीमेंट कर सके. अगर ये सब चीजें हैं तो वो टोपोलॉजी हमारे पास फैमिलियर टोपोलॉजी होगी. अब इसके हम लोग बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात में. देखिए अब एक चीज ध्यान रखिए, आप जब एग्जाम दोगे तो अगर आप ऐसा फिगर नहीं बना पाएंगे तो आप ये सब बॉक्स में भी लिख सकते हो. किस यहाँ पर आप एक सेंटर जो आपको हब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप एक बॉक्स बना दीजिए, वहां लिख दीजिए कंसेंट्रेटर, मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर. ठीक है, ये जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे यहाँ आप चाहे छोटे छोटे से सर्किल बना सकते हो, लिख सकते हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5. आप ऐसे कंप्यूटर तो ना बनाते घूमोगे कि बना लोगे. बना लेना तो बहुत अच्छी बात है, बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना करना कंप्यूटर ही बनाते रहो, पूरा पेपर छोड़कर चले आओ. ठीक है ना केसरी. तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, काम बस इतना करना यहाँ पर डिब्बा डिब्बा बना देना, सर्किल बना देना चाहे रेक्टेंगल, उसमें लिख देना कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5. बस टाइम बचे तो फिर आराम से बनाना कंप्यूटर. अब एडवांटेज क्या है, इफिशियंट ट्रबल शूटिंग. देखिये इफिशियंट का भी आप मतलब समझते होंगे आई थिंक. इफिशियंट का मतलब होता है जो ट्रबल शूटिंग है, जैसे एक केस हम ये करें, मान लीजिए आप ट्रबल शूटिंग 10 बार ऑपरेट करते हो तो उसमें क्या है कि अगर 10 बार नहीं हो रही तो लगभग 7 बार इम्प्लीमेंट हो जाए, 6 बार हो जाए तो बेटर है. लेकिन आप 10 बार ट्रबल शूटिंग ऑपरेशन चला रहे हो, आपका काम एक ही बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो उस टाइप के एनगो या उस टाइप की ट्रबल शूटिंग आपके पास इफिशियंट तो नहीं होगी. इफिशियंट का मतलब आप समझते होंगे कि जिस हिसाब से हम इनपुट दें उस हिसाब से आउटपुट हमें जो रिक्वायर्ड है वो एक सेटिस्फैक्ट्री तो मिलना चाहिए. ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाउन मिल जाए. तो पॉइंट क्लियर करें, ट्रबल शूटिंग इज क्वाइट इफिशियंट इन स्टार टोपोलॉजी एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी. अच्छा क्यों होता है वो भी चीज क्लियर हो जाएगी. इन अ बस टोपोलॉजी द मैनेजर हैज टू इंस्पेक्ट द किलोमीटर ऑफ केबल. इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑन द स्टेशंस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, देयरफॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर has to go to single station to troubleshoot the problem. यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अगर मान लीजिए सिस्टम रिकवर कर ले रहा तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज कभी कभी क्या होता है इस टाइप के नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है उसको कवर करने के लिए जो आपके पास इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी भी जरूरत पड़ती है. अब अगर आपके पास आपने यूज की हुई है बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा आपको कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को या उस इंजीनियर को पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी. वो लेंथ एक लॉन्ग होगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे आपका चल रहा है. स्टार का अगर आप फिगर देखें तो स्टार में क्या है कि ये सेंट्रल डिवाइस है, उससे ये आपस में कनेक्ट है. तो यहाँ पर वो डायरेक्ट किसको अटैक करेगा, सेंटर को. अच्छा जब सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो सर्वर के पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है. अब वो चाहे मैक एड्रेस के फॉर्म में हो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या आईपी एड्रेस के फॉर्म में हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के फॉर्म में. तो चाहे आईपी के फॉर्म में एड्रेस हो उसका, चाहे मैक के फॉर्म हो, यानी कि सर्वर के पास क्लाइंट कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है. तो वहां से वो ये समझ जाएगा कि आज 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, 5वां कनेक्ट नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम किस कंप्यूटर है, 5th में है.
या फिफ्थ वाले नेटवर्क की जो केबल जा रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, केबल हो सकता है फॉल्ट हो गई हो, केबल ब्रेक हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उस कंप्यूटर को ऑब्जर्व करेगा, उसको रिकवर करेगा, प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बस वाले में क्या है, आपको एक लॉन्ग वे में ट्रेवल करना पड़ता है, और अगर बैकबोन फेल हो गई तो फिर आपको ये भी नहीं समझ सकते कि कौन सा सिस्टम में दिक्कत है। इतनी चीज क्लियर। लिमिटेड फेलियर इसमें भी है, कोई बहुत ज्यादा फेलियर नहीं आते हैं। फेमिलियर टेक्नोलॉजी ये भी है, क्योंकि इसमें क्या होंगे कि कास्ट जो भी कंपोनेंट है इजीली अवेलेबल है, तो वो चीज। और एजीली एक्सटेंड वो एक्सपेंडेबल। देखिए अगर आपको एक सिस्टम बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, सर्वर से एक केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू दूसरा सिस्टम कनेक्ट कर दोगे। तो इसमें क्या है कि नेटवर्क को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप सिस्टम के नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर सकते हो। अब स्टार टोपोलॉजी में कोई भी डाउट हो, स्टार टोपोलॉजी का पॉइंट ना समझ में आ गया या एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ चलिए एक बेबी आप सर्वर अगर नहीं भी क्रिएट कर रहे हो, अगर इनके सर्वर नहीं भी क्रिएट कर रहे हो, नॉर्मल आप वर्किंग करा रहे हो, तब भी आप हब स्विच से एक दूसरे से कनेक्ट करा सकते हो। और अगर आप सर्वर बना भी रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे आपने बोला सर्वर बना रहे हैं, तो ये तो सब नॉर्मल बात है, मतलब रिक्वायर्ड होगा ही, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हम ऐसे भी नेटवर्क बना सकते थे जिसमें हमें सर्वर की नीड ना भी होती, जैसे आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी, तो वो वैसा सिस्टम था। तो आपका पॉइंट क्लियर हुआ है, आप कुछ ऐसे ही पूछ रहे थे आई थिंक। yes. अगर ना हुआ तो आप पूछ सकते हैं जो और भी क्वेश्चन हो आपके। हाँ क्रिस्टी बेटा। जितने भी करिए कोई दिक्कत नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार ही बनेगा, ठीक है, आप कितने भी कर सकते हैं, बस क्या है सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट। हाँ और किसी का अच्छा डाउट था, मतलब आपका और किसी का, सर बस टोपोलॉजी में अगर सर बैकबोन सर में फॉल्ट आ जाए तो हम लोग सर जैसे काम भी नहीं चलेगा कुछ भी। स्टार्ट टोपोलॉजी में क्या कि अगर एक नोड फेल भी हो गया, देखिए सर्वर फेल हो गया तो ये भी गया, हब में दिक्कत आ गई तो ये भी गया, लेकिन आपके पास है भी ये डिसएडवांटेज, जैसे सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर, आपका सर्वर वो या हब ही फेल हो गया तो यहाँ पर भी क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। और केबल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको केबल का जो अमाउंट है वो ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हर कंप्यूटर आपके पास इंडिविजुअल सर्वर से कनेक्ट है, समझ रहे हैं बात, तो केबल की लेंथ आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इसमें, बट केबल को इतना कॉस्टली नहीं होती है तो वो इतना बड़ा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ दोनों में उसमें अगर बैकबोन फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क डंप हो गया, इसमें अगर सेंटर डिवाइस फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क डंप हो गया, तो ये ड्रॉबैक दोनों में। हाँ और किसी का क्वेश्चन, अनुसिता बेटा, अनुसिता बेटा क्या है नहीं क्लास में, तो बोन भी दिया करो, हमें कैसे पता चलेगा सो रहे हो कि जग रहे हो। रामांश बेटा, यस सर, क्लियर यहाँ तक? जी सर। चलिए नाउ रिंग टोपोलॉजी, तो फर्स्ट फिगर अगर आप देखें तो फिगर में देखो आपको क्या दिख रहा होगा रिंग टोपोलॉजी में, कि जो ये कंप्यूटर या नोड कनेक्ट है आपके पास, ये क्या है, रिंग के फॉर्म में, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, दूसरी डिवाइस से तीसरा कंप्यूटर, तीसरे कंप्यूटर से चौथा कंप्यूटर, चौथे से पांचवा कंप्यूटर, तो इस टाइप से जो ये कनेक्शन है आपके पास, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो आपके पास ऐसा एक रिंग बनेगा, यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा वो एक दूसरे पर डिपेंड होगा। अब पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं पहले एक एक चीज। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी भी एक बस टोपोलॉजी की तरीके से ही है, बस क्या है कि यहाँ पर कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। रिंग टोपोलॉजी इज नाइक अ बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड एंड्स, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। The node that received the message from the previous computer will retransmit to the next node. जरा इस चीज को क्लियर करिए, होता क्या इसमें कि भैया ये मजा ना लो यार, कोई लिख रहा है अपने स्क्रीन से। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, देखिए फिगर में देखें हम लोग, मान लीजिए ये जो कंप्यूटर है हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं आपको, देखिए ये जो कंप्यूटर है ये मान लो इस कंप्यूटर ने क्या किया, एक मैसेज भेजा किसको, इसको। अब मैसेज जो जाता है वो इन फॉर्म ऑफ टोकन जाता है, इन फॉर्म ऑफ टोकन। अच्छा टोकन का मतलब क्या है, टोकन क्या होता है, डेटा भी लिए होता है और ये भी लिया होता है कि ये कंप्यूटर ए को जाना है या कंप्यूटर बी को जाना है या कंप्यूटर सी को जाना है, यानी कि जिस डेटा जिस कंप्यूटर या जिस नोड में जाना है उसका ये एड्रेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन भी लिए होता है। तो ये इंफॉर्मेशन इसको गई, इसने बोला हमारे लिए ये जरूरत नहीं थी, इसने क्या किया इसको भेज दिया। इसने क्या किया, इसने बोला हमें भी जरूरत नहीं थी, इसने इसको भेज दिया, इस वाले को, थर्ड को आ गया। इसने बोला वी नीडेड दैट इंफॉर्मेशन, इसको वो इंफॉर्मेशन की नीड थी, तो इसने एक्सेप्टेड का मैसेज टोकन को देकर इसको भेज दिया और फिर टोकन कहां तक आ गई, इस तक आ गई। तो इसको पता चल चुका कि इसका मैसेज भी रिसीव हो गया और मैसेज इसको पहुंच भी गया। अब इसको अगर कोई इंफॉर्मेशन फिर किसी को भेजनी है तो उस टोकन में एड्रेस चेंज करेगा, फिर ऐसे ट्रैवल करेगा, फिर ऐसे ट्रैवल करेगा। मान लो इसको इंफॉर्मेशन जानी थी, इसने एक्सेप्ट की, इसने टोकन को मैसेज दिया एक्सेप्टेड, वो इंफॉर्मेशन फिर इसको गई, वो इसको गई और वो इसको चलेगी, क्योंकि जब ये एक्सेप्टेड करेगा तो जिससे इंफॉर्मेशन ली उसकी भी इंफॉर्मेशन एड्रेस के फॉर्म में टोकन को देगा तो वो यहां तक पहुंचेगी। इतनी चीज क्लियर हो रही किस टाइप से चलेगा। अब सर इसका पाथ क्या होगा, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज जाएगा? बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यानी कि आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो करा सकते हो। जनरल वे में अगर अधिकतर देखा जाए तो क्लॉकवाइज होता है, मतलब कि इस टाइप से आप फॉलो करा सकते हैं, मतलब जो हमने शो कराया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यूनि डायरेक्शनल होता है, आप एक ही डायरेक्शन फॉलो करोगे, दैट मे बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे तो आपको केवल क्लॉकवाइज ही लिखा होगा, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं, आप कोई एक पाथ फॉलो कराओगे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रामांश क्लियर ये बात? यस सर। ऐसा भी होता है क्या, जैसे कि सर एक केबल से हम लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे और दूसरी केबल से हम रिस्पांस लेंगे? ऐसा जनरली नहीं होता है, अगर आपका नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, तो उसी केबल से ही, क्योंकि केबल कनेक्ट है तो आप डेटा शेयरिंग आपकी हो जाती है, तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप डिवाइस की कुछ फंक्शनैलिटी अलग है तो बात अलग है, अदरवाइज एक डिवाइस एक ही केबल से कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होगा। समझ रहे ना मंस? तो दो केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर। अब यहां पर क्या है ना कि अलग अलग कंप्यूटर है तो उनके बीच में केबल अलग अलग लगी होगी। अब देखिए पॉइंट अगर हम लोग रीड करते हैं तो आप क्लियर होते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट था द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड, वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट नोड को दे देगा। डेटा यूनिडायरेक्शन वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होगा, डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डेटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कंटीन्यूअस नोन एज एन एंडलेस लूप, यानी कि लूप में वो फ्लो करता ही रहेगा, एक से दूसरे दूसरे बार, फिर नेक्स्ट टाइम वो फ्लो करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग रिंग टोपोलॉजी में इसको टोकन को समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं। पहला पॉइंट कह रहा था मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इस टोकन पास, यानी कि रिंग टोपोलॉजी में जनरली हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टोकन पासिंग यूज करते हैं। अब टोकन पासिंग क्या है, इट इज अ नेटवर्क एसेस मेथड, मतलब नेटवर्क को एसेस करने का एक तरीका। आपको ये कंफर्म करना है नेटवर्क सही वर्किंग कर रहा है कि नहीं, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट कराना, इस टाइप के लिए हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क एसेस मेथड, इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रेवल करे।
अब वर्किंग आप टोकन प्रोसेस जो हमने तुम्हें बताया क्या होगा, जिसने जो वो है सोर्स है उसने टोकन फॉरवर्ड के अपने नेबर जो भी उसका पड़ोसी है उस नोड को विद द एड्रेस किसका डेस्टिनेशन का, जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो टोकन के पास डेटा भी और एक इंफॉर्मेशन भी है मतलब डेस्टिनेशन की। अब अगर वो रिक्वायर्ड उसको है तो रखेगा, नहीं तो वो आगे पास करता जाएगा, और जब वो रिसीव कर लेगा तो वो एक रिसीव्ड मैसेज के साथ आगे फॉरवर्ड करके कहां तक भेज देगा, डेस्टिनेशन तक भेज देगा। किसी का डाउट हो रिंग टोपोलॉजी से तो बताएं। वंदना, वैभवी, वैभवी बेटा क्लियर है ना? यस सर। क्रिस्टी बेटा, क्रिस्टी हाँ क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। वंदना मैसेज रिसीव हो गया हमें आपका। नेक्स्ट इसमें हम देखें एडवांसेड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेजेस में कैरिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग नेटवर्क मैनेजमेंट। तो नेटवर्क मैनेजमेंट आपके पास क्या है, आप देखें फॉल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क। अगर यानी कि नेटवर्क में कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर रही रमांस, तो आप उस डिवाइस को इजीली रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो चीज हम फिगर से आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखिए है क्या यहाँ पर कि जब आपकी ये डिवाइस कनेक्ट होंगी तो यहाँ पर बेटा एक अलग केबल लगी होगी, जैसे यहाँ पर एक अलग केबल लगी, यहाँ पर एक अलग केबल लगी। ये केबल वन है मान लीजिए, ये केबल टू है मान लीजिए। इस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गई, सिस्टम का सीपीयू खराब हो गया, सिस्टम का कुछ भी वर्किंग खराब हो गई, आप क्या करेंगे, इस सिस्टम को यहाँ से हटाइए, इस केबल को यहाँ से रिमूव करिए, ये जो केबल है वो आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं कि? तो रिंग टोपोलॉजी में आपने क्या किया, सिंपल एक ये चीज हटा दी, उससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। आपका देखिए तब भी रिंग टोपोलॉजी बनी हुई है, जब आप ऐसे करोगे तब भी ये रिंग ही तो बना रहेगा एक पूरा सर्किट फॉर्म। तो ये आपके पास इजिली है, यानी कि कोई आपके पास किसी कंप्यूटर में फॉल्ट आती है तो आप उसे इजिली आगे प्रोसीड कर सकते हो उसको रिमूव कराकर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़े, कास्टिंग की जब बात आई तो कास्टिंग क्या, इसमें भी मेनली क्या होते हैं वो बेबी बेटा, ये भी मेनली क्या होता है नेन बेस्ड होता है। तो इसमें भी क्या है केबल जो कनेक्ट हो गए, तो केबल बेटा वही ट्विस्टेड के होगा, बहुत होगा तो आप क्या कर लोगे वो कोएक्सियन कर लोगे। अच्छा फाइबर केबल जैसे जनरली जो यूज होती है ना ये कास्टली होती है, तो या तो बहुत माइक्रो लेवल पर आपको काम करना है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में लेजर वगैरह का काम है कुछ है तो वहां पर यूज कर सकते हो। अदरवाइज जब वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात होती है तो उस केबल का यूज करते हैं। नॉर्मल अगर हमें ऐसे काम है तो हम लोग इन्हीं से काम चलाते हैं, ट्विस्टेड पेयर हो गई या कोएक्सियल हो गई तो आप उससे चला लोगे। रिराइवर का मतलब आपको हम पहले ही बता चुके थे, रिराइवर का मतलब होता है वफादार के तरीके से, यानी कि जो कम्युनिकेशन है अगर कुछ डंप भी हो रहा है कोई भी चीज तो आप उससे कर, तो यहाँ पर क्या कि अगर एक सिस्टम डंप हो भी गया तो उसको आप रिमूव करके आप कम्युनिकेशन तब भी आपका प्रोसीड होता रहेगा। बात समझ रहे हैं इतनी बात। दूसरी चीज जो आपका सेंडर है यहाँ पर उस पर कोई डिपेंड नहीं है, डेटा कोई भी भेज सकता है। जैसे आपने ए ने बी को भेजा तो बी हो गया ना उस टाइम, फिर होस्ट वो आगे भेजेगा। अब मान लो ए ही डंप हो गया तो ए हट जाएगा, वो डेटा किसको पहुंच जाएगा, बी को पहुंच जाएगा। जैसे आप फिगर में देखें, मान लो आपके पास पहले डेटा स्टार्टिंग किसने किया, ये एक मिनट इसने किया, इसने इसको भेजा। अच्छा जब इसने इसको भेजा तो डेटा की तो पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच गई। अब मान लो ये डंप हो गया तो ये हटा, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो जब ये इससे कनेक्ट हो गया तब भी आपके पास ये रिंग बनी, अब आपके पास ये वो काम कर रहा है। तो अगर कोई सर्वर आपका यहाँ पर कोई बंद सर्वर नहीं है, आपका हर सिस्टम सर्वर की तरीके से काम करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। तो डिसएडवांटेज में क्या है, पहला डिसएडवांटेज तो ट्रबल शूटिंग है, क्योंकि ट्रबल शूटिंग का मतलब इसमें क्या है कि इसमें क्या इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट, इफ एनी फॉल्ट अकर इन द केबल देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द। अगर आपके पास नेटवर्क में दिक्कत आ गई रमांस तो आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप करेगा। तो आपको क्या उस सिस्टम को जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक आपका कम्युनिकेशन स्टेबलाइज
नहीं हो पाएगा। तो ट्रबल शूटिंग के लिए इसमें आपको एक अच्छा, क्योंकि बन भाई अगर आपके पास इसमें सर्वर टाइप की बात होती, यानी कि सारे सिस्टम एक डिवाइस से कंट्रोल होते, तो आपको आसान था। आप उसी जो मेन हब आपने बनाया, स्विच बनाया, सर्वर बनाया, आप उसी पर अटैक करते, आप ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते थे कि विच कंप्यूटर हैज फॉल्ट। तो जो कंप्यूटर फॉल्ट होता उसे आप रिकवर कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर केबल आपको चेक करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आपको पूरा नेटवर्क चेक करना पड़ता है। और लगभग आप ऐसे ही मान लो जो डिसएडवांटेज बस में थे वो लगभग सेम डिसएडवांटेज आपको इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी इज अ एंडलेस बस टोपोलॉजी। यानी कि अगर हम बस टोपोलॉजी को समाप्त ना करें, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ लें, तो वो क्या बन जाएगी, रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। अब फेलियर का इसमें क्या है, द ब्रेक डाउन इन वन स्टेशन लीड टू द फेलियर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। ये वही है कि अगर एक स्टेशन फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क आपका चला जाएगा। और ट्रबल शूटिंग ये कि आपको पूरा नेटवर्क ऑब्जर्व करके रिकवरी करनी होगी। रिकॉन्फ़िगरेशन हमने बोला कि आप देखो इसमें भी अगर आप एक कंप्यूटर बढ़ाओगे तो ये बताओ डेटा को जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कि नहीं। अगर मान लीजिए आपको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डेटा भेजना था, अगर आपने यहाँ पर एक कंप्यूटर और ऐड कर दिया, यहाँ पर ये कंप्यूटर और ऐड कर दिया मान लो, ठीक है। तो जब आपने ये कंप्यूटर ऐड किया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर एक नोड और बढ़ गया, तो आप इस डेटा को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जब डेटा को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है, तो डेटा थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज भी, और ये लगभग हमने बोला लगभग आपको सभी में मिलेगा, हाइब्रिड वगैरह छोड़ दो, बाकी आपको सभी में, ठीक है। आपको उसमें नहीं मिलेगा जैसे स्टार है, क्योंकि स्टार में क्या है कि हर डिवाइस सर्वर से कनेक्ट है, किसी तक भी डेटा जाना है तो सर्वर से जाना है, तो एक डिवाइस एक नोड की डिपेंडेंसी दूसरे पर है ही नहीं। सारी डिवाइस की डिपेंडेंसी अगर है तो किससे, सर्वर से। तो स्टार में तो आपको नहीं मिलेगा रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी, लेकिन बाकी जैसे आपको इसमें मिला, बस में मिला, रिंग में भी मिलेगा, बाकी आप ट्री पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा। और डिले वही है बेटा कि जब आप एक नोड बढ़ाते हो तो जितने नोड बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, स्लो होता जाएगा, यानी कि डेटा लेट पहुंचेगा, कम्युनिकेशन डिले होगा। तो रिकॉन्फ़िगरेशन और डिले में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है सर। हाँ, चीज क्लियर है यहाँ तक, रिंग टोपोलॉजी पूछ सकते हैं, इतना ही है रिंग टोपोलॉजी। क्रिस्टी बेटा, क्रिस्टी ठीक, आज का टॉपिक आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, बस एक दूसरे से चीजें कनेक्ट है। आप नेटवर्क किसी से भी बना सकते हो, हर नेटवर्क का कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है वो चीज समझो, वही चीज पहले हम लोग फिगर देखें। तो मैश टोपोलॉजी में आप फिगर जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रहा है बताएंगे जरा, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैश टोपोलॉजी में? हर नोड एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे नोड वन है तो नोड वन देखिए नोड टू से भी कनेक्ट है, नोड थ्री से भी कनेक्ट है इस लाइन के थ्रू। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं केबल ही हो, वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। और इतना बता दें, मैश टोपोलॉजी का जो सबसे लार्ज एग्जांपल या सबसे बेस्ट एग्जांपल है या सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो आपके पास इंटरनेट जो है वो भी आपके पास मैश टोपोलॉजी बेस्ट है। ये फिफ्थ वाला है, देखिए इससे भी कनेक्ट है, आपके पास फोर्थ है इससे भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पहले फिगर से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन एनी नोड ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड विथ ईच नेटवर्क, पहला तो ये करते हैं फुल मैश टोपोलॉजी और दूसरा हम लोग ये करते हैं पार्शियल नोड मैश टोपोलॉजी। तो फुल में क्या होता है बेटा कि अगर आपकी हर डिवाइस कनेक्ट है, मतलब कि जैसे ये जो आप फिगर देख रही है फुल है, क्यों, नोड वन देखिए सभी से कनेक्ट है, नोड टू पर आइए तो वो भी सभी से कनेक्ट है, नोड थ्री पर जाइए वो भी सभी से कनेक्ट है, नोड फोर पर गए वो भी सभी से कनेक्ट है, नोड फाइव पर गए वो भी सभी से। पार्शियल में है, जैसे मान लीजिए नोड फोर है वो टू से कनेक्ट ना होता, बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब आपके पास क्या है डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट तो है लेकिन एक दो
कनेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपस में स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वो आपके पास पार्शियल में जाएगा। तो आई थिंक फिगर से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पॉइंट रीड कर लेते हैं एक बार, तो आपको आराम से चीजें। पहला पॉइंट आपके पास है, जब हम स्लाइड पर जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है कि मैश टोपोलॉजी इन एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन। रिडंडेंट का मतलब कोई बता सकता है? बेबी बेटा, रिडंडेंट का मतलब बेबी? यस सर, कुछ बताएंगे? नहीं, नहीं पता। अच्छा सर, क्रिस्टी, हाँ हाँ बताएं। रिडंडेंट का ये मतलब नहीं जिसका कोई यूज ना हो। देखिए रिडंडेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एग्जांपल के टाइप से मान लो आज तारीख है, जो भी हो, मान लो 1 जून को आपके मौसी की लड़की की कोई शादी है और 1 जून को आपके बुआ के लड़के की शादी है, ठीक है? यानी कि आपके खाना खाने के जुगाड़ क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक है? आप चाहे चाहे मौसी के घर चले जाए, चाहे बुआ के घर चले जाए, खाना आपको दोनों जगह खाने को मिलेगा। तो पार्टी के जुगाड़ आपकी क्या हो गई? 2-2 हो गई। तो रिडंडेंट का मतलब यही होता है कि जब कोई भी काम करने के तरीके आपके पास एक से ज्यादा हो जाए, तो रिडंडेंट का मतलब वो होता है। यानी कि आप इसको एक तरीके से डुप्लीकेशन भी समझ सकते हो। एक्चुअली में एग्जैक्ट डुप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन तो होता है बिल्कुल वैसा ही। रिडंडेंट का मतलब होता है कि टू कंप्लीट अ टास्क हैविंग मोर देन 2 or 3 प्रोसेस, मतलब 2 प्रोसेस भी हो सकते हैं, 3 प्रोसेस भी हो सकते हैं, बट टास्क कंप्लीट हो रहा वो चीज। भाई बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे एक दूसरा एग्जांपल भी, मैं मान लो आपके घर में कंप्यूटर भी, आपके पास मोबाइल भी है। अब आपको ये मीटिंग अटेंड करने के लिए 2 फैसिलिटी, आप चाहे तो कंप्यूटर से भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल से भी अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपके पास 2 तरीके हो गए, तो ये आपके पास रिडंडेंट का मतलब होता है। अब हम जरा फिगर से आपको समझाते हैं जरा मैश टोपोलॉजी में। तो और अभी हम ये पॉइंट पूछते ना तो आप लोग हाँ हाँ करके सब पास कर जाते हो। देखिए हम आपको बहुत क्लियर बता चुके हैं कंप्यूटर साइंस में कोई अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नहीं होती, सब कुछ मीनिंग है। तो एक वर्ड का मतलब क्लियर है तो बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात क्या, आज आप 12th में जो चीज पढ़ रहे हो, अगर आप बीटेक भी करो तो ये ऐसे ही पढ़ोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपका बहुत बढ़ता रहता है, यहाँ पर इतना इंक्रीज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपको नोड 1 से नोड 2 तक कम्युनिकेशन करना है तो एक बात तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? दूसरा पाथ देखिए, यहां से इससे कम्युनिकेट करिए और इसके थ्रू आप इससे कम्युनिकेट करिए, तब भी कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? तीसरा पाथ देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तब भी जा रहा है। तो आपके पास नंबर ऑफ पाथ मोर देन 1 है कि नहीं है? अगर है तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोल दे सकते हैं रिडंडेंट कनेक्शन टाइप प्रोसेस। तो ये होता है बेटा, ठीक है? क्लियर है ना सभी को? Yes, तो अब दूसरे पॉइंट पर आओ, देयर आर मल्टीपल पाथ। अब इसमें ये आप क्लियर कर सकते हो, यही रिडंडेंट, देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम 1 कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दिस इज नोन एज रिडंडेंट कनेक्शन प्रोसेस। इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब आर एनी सेंटर कंप्यूटर विच एक्ट एज अ सेंटर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती, हब स्विच सेंटर डिवाइस। नेक्स्ट आपको दिख रहा है, मैश टोपोलॉजी मेनली यूज्ड फॉर व्हेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो वहां पर आपको ये यूज करना होगा, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क जब आप बनाते हो तो आपको क्या होता है, एक्चुअली देखिए इसमें होता क्या मेन, आपको मैश टोपोलॉजी से फायदा ये है, हम फिर से फिगर पर अगर आए, जैसे मान लीजिए नोड 1 से डेटा आपको भेजना था किसी नोड 4 पर, अगर नोड 2 आपका फेल भी हो गया, डंप कर गया नोड 2, अगर मान लो ये बेकार हो गया, तब भी आप अगर इस पाथ से नहीं भेज पा रहे हो तो बाकी पाथ तो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो डेटा आपका चला जाएगा। तो जो लार्ज स्केल पर नेटवर्क बने होते हैं तो वहां पर क्या है कि हमें डेटा डंप भी ना हो, इस टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग मैश टोपोलॉजी का करेंगे
तो देखिए इसमें इसके ड्रॉबैक तो हैं काफी जो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या है कि डेटा आपका पहुंच जाएगा, मतलब आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी नोड पर, वो पाथ ए नहीं तो पाथ बी फॉलो कर लेगा, ये आपके पास एक फैसिलिटी अच्छी। वेन में यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क आप मेनली यूज कर सकते हो, क्योंकि जब इतना बड़ा नेटवर्क बनाना है तो हम लोग केबल को यूज नहीं, बहुत लार्ज केबल लग जाएंगे, इतनी ज्यादा केबल में आपका नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो इन फ्यूचर आप खुद ये नहीं समझ पाओगे कि ये केबल किस कंप्यूटर में कनेक्ट हो रही है, ये केबल किस कंप्यूटर में कनेक्ट हो रही है। तो मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी यूज होती है मेनली वो क्या होती है, वायरलेस नेटवर्क। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल आप मेश टोपोलॉजी, आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपको। अब मेश टोपोलॉजी कैन, हाँ बताएं बताएं बेटा, मेश टोपोलॉजी में सर हम लोग अगर किसी फॉल्टी नोड को रखेंगे नेटवर्क में तब भी हाँ, तो हम लोग का काम चलता रहेगा। हाँ, काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, बस ये कि उस नोड से स्पेशली जो उस नोड से काम होगा वो नहीं हो पाएगा बस। तो एक तो फुल मेश टोपोलॉजी, एक पार्शियल मोड मेश टोपोलॉजी, तो इतना तो आप समझ गए होंगे ना आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अगर नंबर आपसे कभी, वैसे तो आएगा नहीं आपके में नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ केबल्स कितनी कनेक्टेड होंगी इसमें, तो देखिए आपको दो कंप्यूटर के बीच कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल रिक्वायर्ड हो रही है, वन। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कितनी केबल रिक्वायर्ड हो रही है, वन। और ये किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इलेवेंथ में तुमने चैप्टर पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, तो उसमें क्वेश्चन होता है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक बिटवीन एन फ्रेंड्स, अगर एन दोस्त आपस में हैंडशेक करते हैं तो उनके बीच में कितने आप कितने नंबर आप हैंडशेक होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार मिला सकते हैं। तो उसमें तुमने क्या पढ़ा था कि दो दोस्त अगर हैं तो उनको हाथ मिलाने के लिए यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं कितने दोस्त होते हैं, दो दोस्त, यानी कि एन सी टू। वैसे यहां पर आपको दो कंप्यूटर के बीच में कितनी आपकी रिक्वायर्ड हो रही है केबल, एक केबल, तो यानी कि आपके पास रिक्वायर्ड केबल जो होंगी टोटल मैक्सिमम वो होंगी एन सी टू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो बेटा इतनी केबल रिक्वायर्ड होती है। अब अगर फुल मेश टोपोलॉजी है तो इतनी होंगी, पार्शियल है तो इससे कम होगी, चाहे एक कम कर लो चाहे दो कम कर लो, वो आपका मैटर। बेबी बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? दो एक्चुअली में देखिए एन ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज एन सी आर, यानी कि n नोड से अगर आपको दो नोड सेलेक्ट करने तो एन सी टू, और उसके बीच में कितनी केबल रिक्वायर्ड हो रही है, एक। तो जितने सिलेक्शन तरीके होंगे उतने तो आपकी केबल जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सिलेक्शन में आपको कितनी केबल चाहिए, एक केबल चाहिए, तो मैक्सिमम केबल आपकी इतनी रिक्वायर्ड होंगी, और फुली के लिए तो इतनी होंगी होंगी, पार्शियल के लिए आप इससे कम यूज कर सकते हो। बेबी अभी भी डाउट है? बेबी क्रिस्टी बेटा? यस क्रिस्टी। नो सर। नहीं क्या? नो किसका? डाउट है कि नहीं? चलिए आ गया समझ। नहीं सर डाउट डाउट है? नहीं है। ठीक ठीक ठीक। देखिए यहां तक अगर आपको चीज क्लियर होगी, एक मिनट जरा हम इसको अरेंज कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। ड्रॉबैक आप एडवांटेज क्या है? रिराइवर है। रिराइवर का मतलब वही, अगर एक फॉल्ट हो गया तो दूसरे से काम चल जाएगा। पाथ हमारे पास बहुत ज्यादा है, कम्युनिकेशन फास्ट इस वजह से होगा क्योंकि पाथ नंबर आप पाथ ज्यादा है, तो जो पाथ जितनी जल्दी भेज लेगा, कभी शॉर्टेस्ट पाथ भी लेगा, अगर पाथ बिजी है तो दूसरे पाथ को भी फॉलो करके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। इजियर रिकॉन्फिगरेशन, ये अगर आपको एक नोड बढ़ाना भी तो आप बढ़ा लो, वाईफाई कनेक्टिविटी है, वायरलेस कनेक्टिविटी, आप उससे सबको असाइन करा दो, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये आसान है, और यहाँ पर की स्पीड में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगरेशन यानी कि बढ़ाने से आपको स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो ऑटोमेटिक इतने पाथ हैं, जो पाथ उसको छोटा लगेगा वो उसी से चला जाएगा। हाँ, कास्टिंग आपकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? पहली बात तो ये कि लार्ज नंबर ऑफ राउटर की जरूरत होगी आपको, ठीक है? आप वाईफाई वायरलेस बनाएंगे तो राउटर्स के कनेक्शन ज्यादा होंगे यहाँ पर, तो कास्टिंग आपकी ऐसे बढ़ेगी।
मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज ये है वही चीज भी क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या ना आप देख रहे होंगे कितनी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो आपको एक मॉनिटरिंग करने के लिए वो भी एक दिक्कत होगी, और सेंट्रल डिवाइस भी नहीं है तो मैनेजमेंट आपको ऐसे ही दिक्कत कर जाएगा। तो यानी कि आप ओवरऑल ये चीज समझ रहे होंगे जिन टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस है, सर्वर है या सेंट्रल मैनेजमेंट है, उसमें हमें मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी, बट अगर सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं है तो दिक्कत होगी, चाहे वो बस हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो मेस हो। स्टार में नहीं थी क्योंकि स्टार में सेंट्रल डिवाइस थी। बात समझ रहे बेवी इतनी बात? बेवी यस सर। इफिशियंसी इसमें जो है तो वो भी आपको इतनी बेटर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या कि डेटा आंख बंद करके फेंका जा रहा है, जिस पाथ को छोटा फॉलो करेगा वो उस पाथ से चला जाएगा, तो बहुत इफिशियंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो मोर देन वन है। अदर जो टेक्नोलॉजी, अदर जो टोपोलॉजी आपने पढ़ी वो आपके पास इफिशियंट है, बट ये इफिशियंट नहीं है। लेकिन है ना क्या कि जब आपको लार्ज बनाना है नेटवर्क तो इस टोपोलॉजी को यूज करना आपके पास मजबूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई नोड डंप करेगा, कोई नोड फेल करेगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज और भी बता दें कि मेश टोपोलॉजी के थ्रू कई सारे सर्वर का भी सर्वर कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं केवल सिस्टम काम वाले ही काम करेंगे। जब आपके सर्वर भी आपस में एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं कई सारे, तो वहां पर भी मेश टोपोलॉजी यूज कर सकते। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, फिगर पर आ जाए तो ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी, ये जैसे बस टोपोलॉजी है, और ट्री में क्या होता है कि आपका एक हायरार्कर व्यू बनता है। हायरार्कर व्यू कैसा होता है, मैं आपको एक पहले फिगर वैसे बनाकर दिखा दें। तो हायरार्कर व्यू में बेटा ये चीज होती है कि जैसे ये रूट है, इसको बोलते हैं रूट, सॉरी आर, ये आर है ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रूट। और रूट से क्या होते हैं, फिर ऐसे कुछ पॉइंट चले गए इस टाइप से, उससे फर्दर ऐसे पॉइंट चले गए नोड। तो होता क्या है, जो सब जो नीचे होते हैं उनको बोला जाता है पेरेंट। जैसे ये अगर सॉरी ऊपर ये पेरेंट है तो इसके ये चाइल्ड होंगे, चाइल्ड वन चाइल्ड टू। अगर इसको पेरेंट मानकर चल रहे हो तो इसके ये चाइल्ड होंगे, चाइल्ड वन चाइल्ड टू एंड चाइल्ड थ्री। तो इस टाइप का जब हायरार्कर बनता है, इसको हायरार्कर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हायरार्कर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फैंता चला जाए, कैटेगरी बनती चली जाए, तो एक प्रॉब्लम से दो प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये तीन कंट्री कंप्यूटर से, ये इस टाइप से, तो इस टाइप का जो बनेगा तो वो क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का भी नेटवर्क जो बनेगा वो भी आपके पास इसी कैटेगरी में होगा। और दूसरी चीज, बस टोपोलॉजी के थ्रू ऐसे कई स्ट्रक्चर आप एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, तो इस टाइप के जो चीजें होंगी उससे हम लोग बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी। आप फिगर में देख रहे होंगे ये बैकबोन है जो बस टोपोलॉजी के रिक्वायर्ड होता है, इससे एक कंप्यूटर, ये इससे ये, फिर जब आप इसमें गए, फिर जब आप इसमें जा रहे हो तो यहाँ देखिए ये हब एक अलग बना हुआ है, उससे ये कनेक्ट है ऐसे ही, फिर ये गया यहां से क्या हुआ, ये दो अलग पेरेंट हो गए, फिर उससे ये कनेक्ट है। तो आपको ये ट्री टाइप के दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, क्यों बेबी बेटा बेवी? तो ये ट्री है, और जब ट्री का आप कॉम्बिनेशन इसके साथ कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपो मतलब जो इनको आप लोग ले सकते हैं केवल इतने को, तो ये स्टार टोपोलॉजी ले सकते हैं, ये सर्वर उससे ये कनेक्ट, ये सर्वर उससे ये सर्वर उससे ये कनेक्ट। तो इसको जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो वो आपके पास ट्री टोपोलॉजी बन, उसके नीचे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो डिसेंडेंट होते हैं, पेरेंट चाइल्ड के तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हो, यही पॉइंट इसमें लिखे हुए। एडवांटेज की बात करें तो जैसे ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो होता है तो वो सपोर्ट होता है ट्री टोपोलॉजी के थ्रू, यानी कि आपके पास घर में जैसे नेटवर्क सिग्नल है मोबाइल के, या हम लोग वाईफाई चलाते हैं, तो ये ट्री टोपोलॉजी बेस्ड होते हैं मेनली। इजीली मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें देखिए स्टार टोपोलॉजी भी आपने यूज की, यानी कि सेंट्रल डिवाइस भी इसमें यूज हुई है। हाँ, वो बात है ना कि आपको हो सकता है चार सेंट्रल डिवाइस चेक करना पड़े, बट आपको हर कंप्यूटर तो चेक नहीं करना पड़ेगा ना,
तो आप सेंट्रल डिवाइस चेक कर लोगे तो उस हिसाब से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। लिमिटेड फेलियर होते हैं। अच्छा, लिमिटेड फेलियर देखिए, बस टोपोलॉजी में भी था और स्टार टोपोलॉजी में भी था। तो लिमिटेड फेलियर क्योंकि टी टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी आपके पास लिमिटेड फेलियर ही होंगे। वायरिंग आपकी पॉइंट टू पॉइंट होगी, मतलब एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर, सॉरी एक नोड से दूसरे नोड के बीच कम्युनिकेशन होगा। इसमें मैश टोपोलॉजी की तरीके से नहीं होगा कि कई सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। डिसएडवांटेज में यह है कि इसकी जो ट्रबल शूटिंग है, ये देखिए वहां पर भी दिक्कत थी ट्रबल शूटिंग की, आपको बस में दिक्कत थी। अगर बैकबोन फेल हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपके पास। वैसे ही इसमें अगर रूट फेल हो गया तब भी दिक्कत पड़ जाएगी हमें। तो इफ एनी फॉल्ट अकर इन द नोड देन इट बिकम डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। अब वो चाहे बैकबोन में आ जाए तो चाहे रूट में आ जाए, ये एक दिक्कत होगी। कास्टिंग आपके पास बढ़ेगी क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट टोपोलॉजी आप एक से ज्यादा जैसे यूज कर लो तो आपको हब या स्विच या सर्वर जो है वो भी आपको एक से ज्यादा यूज करने पड़ेंगे और इन्हीं से तो आपकी कास्टिंग बढ़ेगी। कास्टिंग केवल तब कम होती है जब केवल वायर कनेक्शन, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो चाहे वो मैश टोपोलॉजी हो, तो इनमें आपकी कास्टिंग कम होती है, चाहे वो रिंग टोपोलॉजी हो। मैश में क्या होती है कि केबल्स बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं तो कास्टिंग कंपेयर टू आपके पास बस और रिंग के बढ़ जाती है। फेलियर क्या है इसमें, देखिए फेलियर तो आप समझ सकते हैं, पहले तो आपका मेन बस केबल ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा डंप कर जाएगा आपके पास, ठीक है। रिकॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर आपको कोई इंक्रीज करना है तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्पीड आपकी डिक्रीज होगी और ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस भी होगा क्योंकि बैकबोन पेस्ट है तो ये आपको दिक्कत देगा क्योंकि यहाँ पर बस टोपोलॉजी आपने यूज की है ना, तो बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है तो ये दिक्कत आएगी। हाँ, अब आपको ट्री टोपोलॉजी से रिलेटेड जो डाउट हो वो आप डिस्कस कर सकते। बेवी, क्रिस्टी, सेनुमा, रामांश, अदर भी पूछ सकते हैं, पाठक, क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आपके पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी बहुत मजे की टोपोलॉजी, ये क्या है, ये अपना फायदा देखती है। फायदा मतलब ये कि ये सबसे इफिशियंट टोपोलॉजी होगी। हाइब्रिड में हमने तुम्हें वैसे भी बताया था, हाइब्रिड में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी नोन एज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो लो, टोपोलॉजी अलग टाइप की होनी चाहिए। जैसे अगर ट्री टोपोलॉजी भी देखें तो वो भी एक हाइब्रिड टाइप की थी, क्यों, क्योंकि उसमें आपने क्या किया, स्टार भी यूज किया बस भी यूज किया। अब आप ये सोचो दो बस टोपोलॉजी यूज करके ही हम हाइब्रिड बना दें तो नहीं हो सकता। आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी के लिए जो दो नेटवर्क होने चाहिए वो दो अलग अलग टोपोलॉजी पर बेस्ड होने चाहिए। वन नेटवर्क अगर बस टोपोलॉजी पर बेस्ड है तो सेकेंड नेटवर्क आपके पास मैश टोपोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है। थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, व्हेन टू आर मोर डिफरेंट टोपोलॉजी, दो या ज्यादा डिफरेंट टोपोलॉजी आर कनेक्टेड सॉरी कंबाइंड टूगेदर इस टर्म इज हाइब्रिड टोपोलॉजी, एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर आपने सिमिलर टाइप को कनेक्ट कर दिया और आप सोच रहे हो हाइब्रिड है तो ऐसा नहीं होगा बेटा, समझ पा रहे हैं इतनी बात। अब ये आपको एक नीचे एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक ही सिटी में दो एक बैंक की दो ब्रांच है, वो बैंक कोई भी आप SBI ले लो, CBI, ICICI, PNB कुछ भी, दो ब्रांच है। एक ब्रांच में मान लो जो नेटवर्क है वो स्टार टोपोलॉजी पर है, दूसरी ब्रांच में जो नेटवर्क है वो मैश टोपोलॉजी पर है। अगर दोनों बैंक को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दो तो इस टाइप का जो नेटवर्क बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क। अब आप फिगर अगर देखें तो देखिए फिगर में आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जो पहला पॉइंट बन रहा है आपके पास, ये जो नेटवर्क बन रहा है ये आपका कैसा नेटवर्क है, स्टार टोपोलॉजी बेस्ड। देखिए ये सेंटर है उससे ये कनेक्ट है। ये आपके पास कैसा है, रिंग टोपोलॉजी बेस्ड, देखिए सब एक ही रिंग में कनेक्ट है। और ये आपके पास कैसा है, हब, वो सारी बस टोपोलॉजी बेस्ड। जब ये तीनों नेटवर्क एक दूसरे को आपने कनेक्ट कर दिए, इसी स्विच से इस हब से आपने रिंग वाले को कनेक्ट कर लिया, इसी से आपने बस वाले को कनेक्ट कर लिया, तो दिस टाइप नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिड टोपोलॉजी और दिस टाइप पैटर्न इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाँ, इतनी चीज क्लियर हुई सभी को? चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, आपको अगर ये चीज क्लियर होगी तो ये हाइब्रिड। अब इसमें एडवांटेज क्या है, रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये कि अगर कम्युनिकेशन किसी से ब्रेक हो रहा है तो दूसरे से काम कर लेगा
और हाइब्रिड डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, आप अपना फायदा देखिए केवल, कास्टिंग कास्टिंग सब छोड़ दीजिए, हाइब्रिड टोपोलॉजी बेस्ट जो होंगे उनकी कास्टिंग बहुत हाई होगी। रिराइबर है, स्केलेबल का मतलब ये होता है आप साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, जैसे रिकॉन्फ़िगरेशन का जो मतलब है वही स्केलेबल का भी मतलब, आप इसमें क्या है एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आपके हिसाब से जैसे भी आप डिजाइन करो वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि आप चाहे बस यूज करो चाहे मैस यूज करो कैसे भी करो, आप टोपोलॉजी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यूज कराएगा, इफेक्टिव होगा। मेन तो फीचर यही आपके पास इफेक्टिव, क्योंकि हाइब्रिड बनाया ही हमने अपने फायदे के लिए। एंड डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगी, डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, यानी कि इसको समझने के लिए नॉलेज होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए। कास्टली हब यूज होंगे, यानी कि यहाँ पर जो हब भी यूज होगा कास्टली यूज होगा, अदर भी डिवाइस होगी कास्टिंग बढ़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आप पूरा नेटवर्क बनाओगे उसकी कास्टिंग भी बढ़ेगी। इतनी चीज क्लियर? अब पॉइंट आप रीड कर लेना, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। जब आप जाहिर सी बात है जब कई सारे तो नेटवर्क आप एक दूसरे से जोड़ोगे तो डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और आप मोर इफेक्टिव रिलायबल नेटवर्क बनाओगे तो आपको हब है या सेंट्रल डिवाइस जो भी उसकी कास्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास बराबर।